नमस्कार, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव के इस चर्चा में। लगातार चर्चाएं हो रही हैं पालघर लोकसभा क्षेत्र को लेकर। मैंने तमाम लोगों से आपसे मुखातिब कराया है, इससे पहले भी कई सारे इंटरव्यूज में आपने देखा है जाना। इस बार उपस्थित है बेबाक महिला। इनके यूट्यूब पर चले जाइए और एक बार देखें इनके इंटरव्यूज, इनकी बातें और इनके भाषण। आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये महिला आखिर कैसे बेधड़क अपने विरोधियों के प्रति बोलती है साहस के साथ में और दिखाती है उनको आईना। हम बातचीत करेंगे इस लोकसभा चुनाव पालघर लोकसभा सीट को लेकर। राजेंद्र गावित हैं शिवसेना और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी। इन पर इनके विचार क्या है और अभी तक जो विरोध में कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है, इस पर क्या कहना है। और अब राजेंद्र गावित को टिकट मिल चुकी है तो सपोर्ट कैसे करेंगे। वो महिला जो बोलती है तो लोग सुनते हैं। आइए हम मुलाकात करते हैं नेहा दुबे से सीधे। जी नमस्कार नेहा जी। सीधा सवाल ना घुमा फिरा के, लोकसभा चुनाव है, सीधा सवाल, राजेंद्र गावित का सपोर्ट करती हैं आप? यस, बिल्कुल, मेरा सपोर्ट राजेंद्र गावित जी को ही है। कारण क्या है उसका? सबसे मुख्य कारण तो है जो जिस तरह से अभी जो इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शंस हुए, उसमें वो जीत कर आए बीजेपी पार्टी से, और जिस तरह का काम उन्होंने किया और जिस तरह से जो गुंडागर्दी वाली एक यहाँ पे पार्टी है, गली की पार्टी है, बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी, उस पार्टी के खिलाफ जो उन्होंने काम किया है और पूरा ग्राउंड लेवल का जो एक एक एमपी को जिस तरह से काम करना चाहिए वो जो काम किया है, उस काम को देखते हुए और बहुजन विकास आघाड़ी के विरुद्ध एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को देखते हुए मेरा सपोर्ट राजेंद्र गावित जी के साथ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, गुंडा और गली की पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी। अगला सवाल मेरा आपसे, आखिर किन मुद्दों की वजह से? आपने कहा कि राजेंद्र गावित का हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे होंगे ना आपके, पॉइंट होगा, इसलिए अच्छे हैं, इसलिए अच्छे हैं, इसलिए अच्छे हैं, पॉइंट जरा क्लियर करिए। राजेंद्र गावित जी एक ऐसे नेता हैं जो जनता से जुड़े हुए नेता हैं। मैं राजेंद्र गावित जी को तब से जानती हूं जब वो कांग्रेस में थे, उस वक्त मैं भी कांग्रेस में थी। वो जब कांग्रेस में काम करते थे, एमएलए होके मंत्री हुए, उस तरह से जो उनका काम देखा है, उसके बाद वो जब बीजेपी में आए, बीजेपी का जो यहाँ जो पालघर लोकसभा का जब बाय इलेक्शन हुआ बनगा जी के निधन के बाद, वो इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरह से गावित जी ने काम किया, काम सबसे पहला काम तो ये किया कि ये जो एक गली की पार्टी है, एक नुक्कड़ की पार्टी है, बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी, उस पार्टी के जो अध्यक्ष है क्रिमिनल, जो है हितेंद्र ठाकुर, क्रिमिनल, यस क्रिमिनल, यस ही इज अ क्रिमिनल, तो जो क्रिमिनल एक है हितेंद्र ठाकुर, उस हितेंद्र ठाकुर के, उस हितेंद्र ठाकुर ने आज तक इन 28 सालों में सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ बोलकर कि आपको आने वाले इलेक्शन में पानी देंगे, पानी देंगे, पानी के मुद्दे पर झूठ बोल बोल कर आज 28 साल से वो इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं, जिसका, जिस चीज़ के लिए राजेंद्र गावित जी ने एक एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाया, कदम ऐसे उठाया कि यहाँ पर क्योंकि मेजॉरिटी महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी की है, 100 नगर सेवक उनके हैं, तो उसके वजह से ऐसा है कि उन्होंने सारे नगर सेवकों से मिलकर हितेंद्र ठाकुर के बोलने पर ना चाहते हुए भी नगर सेवकों ने एक प्रस्ताव पास किया अपना समर्थन देके कि जिस जिस बिल्डिंग को ओसी रहेगा, नहीं ओसी रहेगा, सिर्फ उसी बिल्डिंग को पार्टी पानी मिलेगा, बाकी किसी बिल्डिंग्स को पानी नहीं मिलेगा। तो जब ये बात राजेंद्र गावित जी के कान पर पड़ी तो उन्होंने सबसे पहले गए रंजीत पाटिल जी, डॉक्टर रंजीत पाटिल जी के यहाँ, साहब के यहाँ जाके मीटिंग लगाई, उन्होंने ये चीज़ रिक्वेस्ट की और बताया यहाँ पे किस तरह का अंधा कानून चल रहा है। तो डॉक्टर रंजीत पाटिल जी ने मंत्रालय में हियरिंग लगाई और यहाँ वसे विरार महानगर पालिका के जितने अधिकारी है उनको वहाँ बुला कर लिया और उनसे पूछा कि आप लोग कौन होते हो इस तरह का पानी रोकने वाले, जनता का पानी रोकने वाले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, सारे नगर सेवकों ने, जिनको पब्लिक ने नगर सेवक चुन के दिया है, उन सारे नगर सेवकों ने मिलकर एक प्रस्ताव पास किया कि जिस बिल्डिंग को ओसी रहेगा सिर्फ उसी बिल्डिंग को पानी देंगे, बाकी लोगों को पानी नहीं मिलेगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आम जनता का, सभी जनताओं का पानी जो है रुक गया और सारा समस्या ये हो गई कि लोगों को पानी नहीं मिलने लगा तो वो लोग टैंकर से थ्रू पानी भरने लगे। तो रंजीत पाटिल जी ने ये कहा कि जब पानी के लिए फंड जो है आपको महाराष्ट्र सरकार दे रही है तो महानगर पालिका कौन होती है ये डिसाइड करने वाली कि आप किसको पानी देंगे, किसको पानी नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा कि अब ऑल विथ नल, मतलब हर घर के एक एक दीवार पर नल होना चाहिए, एटलीस्ट एक नल होना चाहिए, जिसका रिजल्ट यह है कि वहाँ से हियरिंग हुआ कि सबके घरों में नल होना चाहिए पानी का, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी हो आदमी, चाहे चाली का हो, चाहे कोई भी हो, सबको पानी मिलेगा और बराबर मिलेगा।
तो उसके बाद जब ये हियरिंग हुआ उसके बाद तुरंत इनके जो फर्जी जो नगर सेवक लोग हैं उन्होंने बड़ा बड़ा बैनर मार दिया कि हमारे अतिक श्रम से पानी आया। हालांकि ये पानी आया राजेंद्र गावित जी की मेहनत से और उन्होंने जो ये इतना सारा फॉलोअप्स किया मंत्रालय में हियरिंग लगाया उसके थ्रू ये पानी आया। देखिए सवाल यहाँ पर ये है, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आया, यहाँ पे राजेंद्र गावित सांसद बने, केंद्र में जाते हैं, केंद्र से कोई योजना अगर प्लेटफॉर्म पर लाते तब हम मानते हैं कि उनके तरफ से योजना प्लेटफॉर्म पर आई है। ये तो महाराष्ट्र सरकार की देन थी, ये तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय से जो फंड 90 करोड़ रुपए या यहाँ पर जारी हुआ और लोगों तक प्राप्त हुआ ये तो वहाँ की देन थी। यहाँ राजेंद्र गावित कहाँ रहे? यहाँ राजेंद्र गावित जी का जो नेतृत्व था कि यहाँ पर जो काम हो रहा था महाराष्ट्र सरकार तक भी ये बात नहीं पहुँच रही थी, लेकिन राजेंद्र गावित मैंने पहले ही कहा कि वो जनता के नेता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं दिल्ली से पैसा लाऊं पानी के लिए या महाराष्ट्र से लाऊं, उन्होंने जनता की समस्या सुलझाई। और शायद आपको ये भी पता होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार है, उन्होंने वहाँ जाकर ये सब चीज़ दिखाया कि भाई यहाँ पानी नहीं मिल रहा जनता को और जनता की समस्या सुलझाई। अब आखिरी सवाल फिर आपसे, लगता है आपको कि राजेंद्र गावित के 8 महीने के कार्यकाल बनाम आने वाले समय के विरोधी, यहाँ पर जिनका विधायक है, जिनके नगर सेवक हैं और जिनको आप क्रिमिनल वाली पार्टी कह रहे हैं, जिनको गली वाली पार्टी कह रहे हैं, जिनके नगर सेवकों को आप फर्जी कह रहे हैं, क्या उन लोगों से सामना कर पाएंगे आपके राजेंद्र गावित? जी पिछले इलेक्शन में तो सामना किया और जीत कर आए जी, और इस इलेक्शन में भी 100% राजेंद्र गावित जी जीत के आ रहे हैं। और अब ये जो बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी जो एक गली की पार्टी है, गली में सीमित रहकर कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, इस तरह का पूरा ध्यान जो है बीजेपी पार्टी भी ध्यान दे रही है, शिवसेना भी ध्यान दे रही है और राजेंद्र गावित जी खुद भी इसका ध्यान दे रहे हैं जी। धन्यवाद। लगभग सारी बातें हुई, इस बात में तो एक बात स्पष्ट है कि नेहा दुबे ने एक बार फिर से अपने तेवर में उसी तरह बातचीत की जिस तरह से उनको जाना जाता है। गली की पार्टी और क्रिमिनल शब्द का प्रयोग करना इस लोकसभा के चुनाव में कहीं न कहीं बड़ी बात ही लगती है जब कोई वे महिला बेधड़क होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करे। खैर आज के लिए इतना ही, लोकसभा चुनाव की चर्चा में आगे भी हम नेहा दुबे से बातचीत करेंगे। अगले इंटरव्यू में जरूर देखिएगा नेहा दुबे का अगला बयान क्या होगा। धन्यवाद।